छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम चित्र वर्णन के बारे में जानकारी लेंगे। हम पहले भी चित्र वर्णन पढ़ चुके हैं, तो आज हम फिर से चित्र वर्णन दोहराते हैं और चित्र का किस तरह से वर्णन करते हैं हम देखेंगे। तो चित्र वर्णन की परिभाषा पहले जान लेते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से व्यक्त करना चित्र वर्णन कहलाता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से व्यक्त करना मतलब चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र कहानियाँ, कार्टून, कॉमिक्स आदि है, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाए, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर चित्रों तथा कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। चित्र वर्णन के उदाहरण होते हैं चित्र कहानियाँ में, कार्टून्स या कॉमिक्स में, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और बड़े लोगों को समझ न पाए, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चित्रों तथा कार्टूनों से नई दुनिया खड़ी करते हैं। मतलब चित्रों तथा कार्टूनों से देखकर वह चित्र या कार्टूनों का वर्णन करते हैं। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कुछ गतिविधियां हो सकती है, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती है, कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है। वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं उस चित्र में किसी घटना का वर्णन हो सकता है या कुछ गतिविधियां हो सकती है, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं भी हो सकती है, या फिर चित्र वर्णन के लिए कोई प्राकृतिक दृश्य भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं चित्र वर्णन के लाभ। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है, भाषा लेखन का विकास होता है। अब हम चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे। सबसे पहले चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करें। जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहली है कि सबसे पहले चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करें। यह देखें कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। प्रत्येक गतिविधि एवं स्थिति के विषय में कल्पना शक्ति का सहारा लेकर अनुमान लगाएं। चित्र में दी हुई गतिविधि एवं स्थिति जो है उसे हम कल्पना शक्ति का सहारा लेकर अंदाज लगाएं कि चित्र में क्या कहने की कोशिश की है। चित्र में यदि कुछ गतिविधियां हैं तो उनके हाव भाव और चेष्टाओं पर ध्यान दें। चित्र में कुछ अगर गतिविधियां हैं, हरकतें, उनके हाव भाव और चेष्टाओं पर हमें ध्यान देना है। यदि प्राकृतिक दृश्य को चित्र में उकेरा गया है तो देखें कि प्रकृति में उस समय क्या क्या हो रहा है। अगर प्राकृतिक दृश्य है चित्र में तो हमें यह देखना है कि उस समय प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, उसी के आधार पर हम प्राकृतिक दृश्य के चित्र का वर्णन कर सकते हैं। चित्र वर्णन करते समय छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करें। चित्र वर्णन करते समय छोटे छोटे और सरल वाक्यों का हमें प्रयोग करना है। तो अभी आगे देखिए, प्रश्न है, दिए गए चित्रों का वर्णन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र जल प्रदूषण प्रभावित करने वाली स्थिति का दिखाई दे रहा है। पहले हम चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि इस चित्र में क्या क्या गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो जैसे कि
यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नदी के किनारे पर एक औरत जो है वह बर्तन धोते हुए दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर नदी में एक आदमी है जो कि वह अपने जानवर को नहला रहा है। फिर एक आदमी है जो कपड़े धो रहा है। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जल है यानी कि जो नदी का जल है वह प्रदूषित यानी कि प्रदूषित हो रहा है। उस नदी के नदी में बर्तन धोना, कपड़े धोना, अपने जो जानवर है उनको नहलाना या फिर कारखानों से जो दूषित रसायन आते हैं उनका पानी भी शुद्ध नदी के पानी में मिश्रित होकर जल प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से यह चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस चित्र का वर्णन इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है तो दूसरा आदमी जानवर को नहला रहा है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कपड़ा धो रहा है, जो कपड़े धो रहा है, और दूसरा है जो अपने जानवर को नहला रहा है। नदी के किनारे बैठकर एक औरत बर्तन धोते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो औरत है वह नदी के किनारे बैठी है और वह बर्तन धो रही है। कारखानों से निकलने वाले रसायन और दूषित पानी भी नदी के पानी में मिश्रित हो रहे हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कारखानों से जो दूषित रसायन है उनका पानी नदी के शुद्ध पानी में मिश्रित होकर पानी प्रदूषित हो रहा है, यानी कि नदी जल प्रदूषण हो रहा है। देखिए, कारखानों से निकलने वाले रसायन और दूषित पानी भी नदी के पानी में मिश्रित हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन सब से नदी का पानी दूषित होता है, जो कि कपड़े धोना या जानवरों को नहलाना या फिर बर्तन साफ करना नदी के पानी में या कारखानों से जो रसायन जो पानी है, पानी दूषित पानी है, वह भी नदी के पानी में मिश्रित यानी कि पानी में मिश्रित होने के बाद नदी दूषित हो जाती है, यानी नदी का पानी दूषित हो जाता है। जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी इन गलतियों को सुधारना होगा। अभी यहाँ पर दूसरा चित्र है। यह चित्र जो है वह हमें चौराहे का दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है हमें, कुछ गाड़ियाँ जो है जो कि सिग्नल पर रुकी है। यहाँ पर स्कूटर पर सवार एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि वो जेब्रा क्रॉसिंग पर उसने अपनी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पर रखी है। इस तरह का हम इस चित्र में देख सकते हैं, यह चौराहे का चित्र है। तो अब हम इस चित्र का वर्णन इस तरह से कर सकते हैं। यह दृश्य किसी महानगर के चौराहे का है। लाल बत्ती होने के कारण गाड़ियां रुकी हुई है। जेब्रा क्रॉसिंग से एक बच्चा एक वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है। देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं एक बच्चा जो है वह एक वृद्ध महिला को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करवा रहा है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर को आधे जेब्रा क्रॉसिंग तक ले आया है। यह नियम के विरुद्ध है। यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने से ही दुर्घटनाएं होती है। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतजार नहीं करते। देखिए, हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जो कि स्कूटर पर सवार है वह आधे जेब्रा क्रॉसिंग तक लेकर ले आया है अपनी स्कूटर, और यह जो है वो नियम के विरुद्ध है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो दुर्घटनाएं होती है। और कुछ लोग जो है वह हरी बत्ती होने का इंतजार ही नहीं करते हैं और आगे निकलते हैं।
और गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाएं हो सकती है, अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से चित्र वर्णन किया जा सकता है। चित्र में दी गई घटना, गतिविधियाँ, इनको देखकर निरीक्षण करके अनुमान लगाने से फिर चित्र वर्णन करना आसान हो जाता है। और चित्र वर्णन करते समय वाक्य जो है वह जटिल ना होके सरल वाक्यों में चित्र वर्णन करना जरूरी होता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में चित्र वर्णन किस तरह से किया जा सकता है, चित्र वर्णन किस तरह से करना चाहिए, इस बारे में जो मैंने आपको सिखाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।